हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। ये लुक मैंने अपने मेंबर्स की रिक्वेस्ट के ऊपर क्रिएट की है, जिन्होंने मुझसे रिक्वेस्ट की थी कि मैं उनको सी ग्रीन ब्राइडल मेकअप ट्यूटोरियल दूं। तो आइए मैं आपको बताती हूं कि मैंने ये लुक किस तरह से क्रिएट की है। तो सबसे पहले मैं फेस के ऊपर फरसाली का सीरम प्लस प्राइमर लगा रही हूँ। इससे पहले मैंने फेस के ऊपर मॉइस्चराइज़र अप्लाई किया था और अब मैं फरसाली का प्राइमर प्लस सीरम अप्लाई कर रही हूँ। आप लोग किसी भी ब्रांड का प्राइमर और सीरम जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। फेस पे सीरम और प्राइमर जो है अपने फेस के अकॉर्डिंग आप लोग यूज़ करें। नेक्स्ट मैं आईब्रोज़ को शेप अप कर रही हूँ। आईब्रोज़ को शेप अप करने के लिए मैंने एंगल ब्रश लिया है। आप लोग एंगल ब्रश लें और कोई सा भी किसी भी ब्रांड का आप लोग ब्रो शेड जो है वो ले सकते हैं और इस तरीके से अपनी आईब्रोज़ को आप नीटली शेप अप कर लें। आप लोग जेल कलर भी यूज़ कर सकते हैं और आप लोग ड्राई ब्रो शेड्स जो हैं वो भी यूज़ कर सकते हैं। आईब्रोज़ को शेप अप करने के लिए मैंने स्मैश बॉक्स का एक्चुअली आईलाइनर यूज़ किया है डार्क ब्राउन में। ये आईलाइनर जो आप लोगों के जेल लाइनर जो ड्राई हो जाते हैं, आप उसको उससे जो है अपनी आईब्रोज़ को शेप अप कर सकते हैं। नेक्स्ट मैंने रिवन लंदन का लिक्विड कंसीलर लिया है। ये मेरा बेस्ट लिक्विड कंसीलर है। इसे ना ही क्रीज बनती है और बहुत अच्छे से सेट हो जाता है। क्योंकि आईज़ के ऊपर हम लोगों ने प्राइमर लगाया है तो अब मैं डायरेक्ट कंसीलर से अपनी आई बेस बना रही हूँ। जिन लोगों के पास आई बेस या आई प्राइमर नहीं होता, वो इस तरीके से लिक्विड कंसीलर के साथ आई बेस बनाएं। जब आप आई बेस बनाने के लिए लिक्विड कंसीलर लेंगे तो आपकी बहुत ही नीट आई बेस बनेगी। अब मैं कंसीलर ब्रश के साथ इसको ब्लेंड कर रही हूँ। आप लोग ब्यूटी ब्लेंडर या कंसीलर का किसी भी ब्रांड का ब्रश के साथ आप लोग इसको ब्लेंड कर सकते हैं। ब्यूटी ब्लेंडर के साथ जब आप ब्लेंड करें तो मेक श्योर कि आप उसको अच्छे से पानी में डिप करके वेट ब्यूटी ब्लेंडर के साथ इसको ब्लेंड करें। इस तरीके से अच्छे से अपनी आईब्रोज़ को भी नीट कर लें और आईब्रोज़ को ऊपर से भी इसको नीट कर लें ताकि आपकी आईब्रोज़ की शेप जो है वो फाइन और क्रिस्प नज़र आए। नेक्स्ट मैं हुडा ब्यूटी पैलेट में से लाइट पीच शेड ले रही हूँ और क्रीज़ ब्रश के साथ इसको मैं क्रीज़ एरिया के ऊपर ब्लेंड कर रही हूँ। हल्के हाथों से देखें मैं इसको ब्लेंड कर रही हूँ। पहले मैंने थोड़ा सा प्रोडक्ट लिया है और अगर मुझे ज़रूरत जब पड़े तो मैं थोड़ा थोड़ा करके इसको डार्क करती हूँ। अगर एकदम से हम लोग कोई भी शेड लगाएंगे तो वो अच्छे से ब्लेंड नहीं होगा। अपनी डिज़ायर के मुताबिक आप लोग शेड को लाइट एंड डार्क कर सकते हैं। देखिए मैं हल्के हाथों से इस शेड को ब्लेंड कर रही हूँ और कितनी स्मूथली इसकी जो ब्लेंडिंग है वो हो रही है। नेक्स्ट मैं हुदा ब्यूटी ऑब्सेशन पैलेट में से शेड ले रही हूँ डार्क ग्रीन और इसको मैं आई शेडो ब्रश के साथ अपने क्रीज एरिया के थोड़ा सा नीचे करके लगाऊंगी। इनर से आउटर की तरफ लेके जाऊंगी और आउटर से इनर की तरफ ताकि ये शेड जो है वो अच्छे तरीके से एक दूसरे में ब्लेंड हो जाए। जो हमने शेड क्रीज एरिया के ऊपर लगाया था उससे थोड़ा सा नीचे करके हमने इस शेड को लगाना है और बहुत हल्के हाथों से इसको लगाना है। आप लोग डैब कर करके भी लगा सकते हैं। बिल्कुल इसको क्रीज एरिया के साथ मिक्स नहीं करना। अब मैं ब्लेंडिंग ब्रश के साथ जो ग्रीन शेड लगाया था उसके एजेस को ब्लेंड कर रही हूँ। बहुत ज़्यादा जो ब्रश है वो मैं जो क्रीज एरिया पे हमने लगाया था लाइट पीच शेड उसके अंदर नहीं लेके जा रही, जस्ट मैं ग्रीन के ऊपर रख रही हूँ ताकि ग्रीन की जो हार्श लाइन है वो बिल्कुल सॉफ्ट हो जाए।
आप लोग देख सकते हैं कि मैं हल्के हाथों से इसको ब्लेंड कर रही हूँ और ऐसा ऐसा इसकी जो क्रिस्प एक लाइन थी वो ब्लेंड हो रही है और एक सॉफ्ट सी लुक आ रही है। जब तक आपके अच्छे तरीके से एक आईशैडो की ब्लेंडिंग ना हो जाए आपने तब तक दूसरा आईशैडो नहीं लेना, वरना आपके जो आईशैडो है उसकी फिनिशिंग नहीं आएगी। नेक्स्ट मैं ये डार्क ब्राउन सा शेड ले रही हूँ, ब्राउनिश ग्रीन मिक्स है ये शेड है हुडा ब्यूटी पैलेट में से, और इसको मैं आईशैडो ब्रश के साथ अपने इनर और आउटर कॉर्नर से लेकर इसको मैं क्रीज एरिया तक लेकर जा रही हूँ ताकि जो ग्रीन शेड हमने लगाया है उसमें थोड़ी सी डार्कनेस आ जाए। और उसके बाद जिस शेड से मैंने ग्रीन जिस ब्रश से मैंने ग्रीन शेड लगाया था उसी ब्रश से मैं इसको दोबारा से हल्के हाथों से ब्लेंड कर रही हूँ ताकि जो हम लोगों ने ब्राउनिश ग्रीन शेड लगाया था वो अच्छे तरीके से इस ग्रीन शेड में मिक्स हो जाए। नेक्स्ट मैं उसी कंसीलर से जो लिक्विड कंसीलर था रिमल लंदन का उससे मैं क्रीज को कट कर रही हूँ। फ्लैट ब्रश लिया है मैंने और फ्लैट ब्रश के साथ मैं क्रीज एरिया को कट कर रही हूँ। कंसीलर की बहुत ज़्यादा थिक लेयर नहीं लगानी, थिन लेयर लगानी है ताकि इसकी क्रीज ना बने। दोनों आईज को मैंने क्रीज को कट कर लिया है। अब नेक्स्ट मैं लाइम गोल्ड सा ये शेड है इसको मैं ले रही हूँ और फ्लैट ब्रश के साथ जो हमने कंसीलर से क्रीज को कट किया था उसके ऊपर अप्लाई कर रही हूँ। ब्रश के साथ इसको प्रेस कर करके अप्लाई करना है ताकि जो शेड है वो अच्छे तरीके से कंसीलर वाली जगह पे बैठ जाए। ये शिमर शेड है इसलिए मैंने फ्लैट ब्रश लिया है ताकि जो शिमर है वो बाकी मेरी क्रीज या आउटर कॉर्नर के ऊपर ना जाए। नेक्स्ट मैं अपने आईशैडो ब्रश के साथ जो ग्रीन शेड है उसको लाइम गोल्ड में ब्लेंड कर रही हूँ ताकि दोनों शेड जो हैं वो अच्छे से ब्लेंड हो जाएं और उनकी जो हार्शनेस है एज की वो ख़त्म हो जाए। देखिए ग्रीन शेड को मैं उस शिमर वाले शेड के अंदर और शिमर वाले शेड को ग्रीन के अंदर थोड़ा थोड़ा करके ब्लेंड कर रही हूँ ताकि इसकी फिनिशिंग अच्छी सी आए और बिल्कुल बैलेंस मेकअप हो जाए। नेक्स्ट मैंने ग्लिटर लिया है गोल्ड ग्लिटर है और ये जेल ग्लिटर है, इसको मैं जो क्रीज कट की थी उसके ऊपर लगा रही हूँ जहाँ पे मैंने लाइम गोल्ड शेड लगाया था हुदा ब्यूटी पैलेट में से, और फ्लैट ब्रश के साथ मैं ये गोल्ड गोल्डन रंग का है ये ग्लिटर गोल्ड ग्लिटर ये मैं लगा रही हूँ। आप लोग किसी भी ब्रांड का ग्लिटर जो है वो अप्लाई कर सकते हैं और अगर आप लोगों के पास जेल ग्लिटर नहीं है तो आप लोग लूज ग्लिटर भी लगा सकते हैं, उसके लिए आप लोग ग्लिटर ग्लू का यूज़ करें और फ्लैट ब्रश के साथ थोड़ा थोड़ा करके ग्लिटर को लगाएं। देखिए मैं साथ साथ मैं इसको प्रेस कर रही हूँ ताकि ग्लिटर जो है वो अच्छे तरीके से लग जाए। हाइलाइटर लगा रही हूँ मैं ब्रो बोन एरिया के ऊपर। अब मैंने जो क्रीज ब्रश था उसके साथ मैं क्रीज एरिया को नीट कर रही हूँ ताकि अगर ऊपर कोई शिमर या ग्लिटर लग गया है तो वो बिल्कुल क्लीन हो जाए। आईलैशेस अप्लाई कर रही हूँ मिडल में रख के, मैंने पहले आउटर कॉर्नर से प्रेस किया फिर मैंने इनर से किया और उसको आप अच्छे तरीके से प्रेस कर दें। क्रीज के ऊपर मैंने एक दफ़ा दोबारा से ब्रश बैक एंड फोर्थ किया है ताकि शिमर या ग्लिटर जो है वो अच्छे तरीके से उतर जाए। नेक्स्ट मैं नेक्स की करेक्टर यूज़ कर रही हूँ ऑरेंज, और इसको मैं फ्लैट ब्रश के साथ अपनी आईज़ के नीचे लगा रही हूँ
जहाँ पे मेरे डार्क सर्कल्स हैं, या फेस के ऊपर जहाँ पे भी आपके पिगमेंटेशंस हैं या डार्क एरिया है, आप उसके ऊपर ऑरेंज करेक्टर अप्लाई करें। नेक्स्ट मैं हुदा ब्यूटी फाउंडेशन ले रही हूँ कैशियो, और फाउंडेशन ब्रश के साथ इसको मैं फेस के ऊपर अप्लाई कर रही हूँ। आप लोग ब्यूटी ब्लेंडर भी ले सकते हैं, ब्यूटी ब्लेंडर अगर आप यूज़ करें तो आप लोग वेट ब्यूटी ब्लेंडर यूज़ करें। अच्छे तरीके से फाउंडेशन को ब्लेंड करना है ताकि आपकी बेस जो है वो अच्छी और ब्लेंडेड बने। नेक्स्ट मैं लॉरा मर्सियर का ट्रांसलूसेंट पाउडर ले रही हूँ और पाउडर ब्रश के साथ इसको मैं फेस के ऊपर अप्लाई कर रही हूँ। जिन लोगों की ड्राई स्किन है वो ट्रांसलूसेंट पाउडर जो है वो लाइट से लगाएं कि बेस आपकी सेट हो जाए, और ऑयली स्किन वाले अच्छे तरीके से ड्राई स्पंज के साथ इसको डैप कर करके लगाएं ताकि उनका ऑयल कंट्रोल हो और बेस अच्छे तरीके से सेट हो जाए। नेक्स्ट मैंने वेट ब्यूटी ब्लेंडर लिया है और इसको मैं हल्के हाथों से ट्रांसलूसेंट पाउडर को ब्लेंड कर रही हूँ। बहुत हल्के हाथों से इसको डैप करना है ताकि जो हमने जो ट्रांसलूसेंट पाउडर लगाया है वो अच्छे से स्मज हो जाए। नेक्स्ट मैं हुडा ब्यूटी पैलेट में से पीच शेड ले रही हूँ जो मैंने क्रीज एरिया के ऊपर लगाया था, और इसको मैं अपनी आइज़ के नीचे अप्लाई कर रही हूँ, और साथ ही मैं इसको ब्लेंड कर रही हूँ ताकि इसकी एक सॉफ्ट फिनिशिंग आए। उसके बाद मैंने ग्रीन शेड लिया है और ग्रीन शेड मैं बिल्कुल अपनी वाटर लाइन के करीब लगा रही हूँ, और उसको मैं जो पीच शेड था उसमें ब्लेंड कर दूँगी। आइज के नीचे शेड लगाने के लिए मैंने शेडर ब्रश लिया है। आप लोग स्मॉल शेडर ब्रश भी ले सकते हैं और लार्ज शेडर ब्रश भी ले सकते हैं। अच्छे तरीके से इन शेड्स को लगा के ब्लेंड कर देना है। नेक्स्ट मैं नेक्स की जंबो आई पेंसिल ले रही हूँ मिल्क, और इसको मैं वाटर लाइन में अप्लाई कर रही हूँ, उसके बाद मैंने टू फेस का कंटूर पैलेट में से शेड लिया है मीडियम कोकोआ, और इसको मैं स्मॉल फैन ब्रश के साथ नोज को कंटूर कर रही हूँ। नोज की साइड्स पे इस तरीके से इस शेड को लगा के ब्लेंड करना है। उसके बाद मैं अपनी चीक बोन को कंटूर कर रही हूँ। चीक बोन और जॉ लाइन को आपने अपने कंटूर करना है। उसके बाद मैंने ब्लश लिया है मेकअप गीक का। आप लोग किसी भी ब्रांड का ब्लशन जो है वो आप लोग ले सकते हैं। नेक्स्ट मैंने मैक का शिमर लिया है, हाइलाइटर शिमर है, इसको मैं अपनी चीक्स पे लगा रही हूँ। थोड़ा सा हाइलाइटर मैंने अपनी नोज ब्रिज के ऊपर लगाया है। लिपस्टिक मैंने इसके साथ न्यूड लगाई है, आप लोग किसी भी ब्रांड की लिपस्टिक लगा सकते हैं। और ये है हमारे मेकअप की फाइनल लुक। आई होप आप लोगों को मेरा ये ब्राइडल मेकअप ट्यूटोरियल पसंद आया होगा। अगर आपको ये मेरा मेकअप ट्यूटोरियल पसंद आया है सो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन को प्रेस कर दें ताकि मेरी न्यू आने वाली वीडियोज़ आपको टाइम पर मिल जाएँ। Thank you so much guys for watching.